अस्मिता पर हेमंत बिस्व शर्मा लगातार सवाल उठा रहे हैं, आपके आदिवासी होने पर भी सवाल उठा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर आदिवासियों की इनकी इतनी चिंता हो रही होती तो वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे हमारे चाय बगान में जितने आदिवासी लोग हैं पहले वो वहाँ पे काम करते, आज वो चुनावी तौर पे यहाँ पे प्रभारी बनाने गए करके आए हैं, कितने दिन तक रहेंगे? जब तक चुनाव है तब तक। तो मुझे लगता है कि हमारे अस्तित्व पे अगर वो सवाल उठाते तो सबसे पहले उनको अपने ऊपर देखना चाहिए कि उनकी जो जिम्मेदारी है उनके राज्य में पहले वो पूर्ण करें और उसके बाद में झारखंड के आदिवासियों के बारे में। आपको आदिवासी का अभी आपकी सरकार अगर बनती है मैडम तो क्या जो दूसरे स्टेट के ट्राइबल पीपल है उनको झारखंड में किस तरह की जगह दी जाएगी, क्या कानून लाएंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी हमारे महागठबंधन के लोग, हमारे झारखंड के सिर्फ आदिवासी नहीं, हमारे मूलवासी सभी लोगों को उनके शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, हम लोग पीछे नहीं जाना चाहते। पिछले 20 वर्षों में 24 साल हो रहे हैं झारखंड बने हुए, 20 वर्षों में सबसे ज्यादा किसने शासन किया? 20 वर्ष को बीजेपी ने किया। अगर वे 20 साल में कुछ नहीं कर पाई और वही काम हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ 5 साल में, अगर आप गिनेंगे तो 5 साल में 2 साल तो हमारा कोविड में गया, 5 महीना तो इन्होंने षड्यंत्र करके जेल में डाला, 2.5 साल की सरकार में अगर इन्होंने जो काम किए हैं, अब वो आवास हो, हरा राशन कार्ड हो, सर्वजन पेंशन हो, बच्चों के लिए सावित्री बाई फूले की योजना हो, कृषकों के लिए क्रेडिट कार्ड देने की योजना हो, JSLPS की हमारी 30 लाख बहनें हैं उनको 11,000 क्रेडिट लिंकेज देने की बात हो, हमारे बच्चों को जो यहाँ पे शिक्षा तो शिक्षा विदेश में जा करके भी पढ़ने के लिए शिक्षा का पायदान सोचा है, एक सपना सोचा है, एक नई सोच लेकर के आए हैं। राज्य में आप देख लीजिए कि अब फ्लाईओवर उन्होंने खोला है, 20 से अधिक योजनाएं फ्लाईओवर के साथ में राज्यों में देने का काम किया है, अलग अलग शहर में देने का काम किया है झारखंड राज्य में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सोच किसकी है, ये सोच हेमंत सोरेन जी की। और आज अगर समग्र विकास की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम चुनावी समय आने के बाद तोड़ने की बात नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, मगड़ा पिछड़ा नहीं करते, आज पिछड़ों के लिए 27% कौन निकल के आया है? झारखंडी सरकार ने पारित कराया है। नियोजन नीति कौन पारित कराया है? झारखंडी सरकार ने पारित कराया है। सरना धर्म कोड की बात करते हैं, किसने पारित कराया? झारखंड सरकार ने कराया। लेकिन आगे बढ़ करके इनके नेताओं में तो इतना दम नहीं है, ये अपनी नाकामी को हमारे झारखंड सरकार के ऊपर में लादने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लाखों लाख हमारी महिलाएं, वृद्ध, हमारे दिव्यांग, हमारी विधवा बहनें, हमारे भाई दादा, हमारे किसान लोग, और जिनकी जिनकी बिल माफी हुई है इस महंगाई के दौर में, आपको पता है किसी का 5,000, 10,000, 30, 40, 50 लाख बिल माफी हुआ है। आप ये सोचिए कि महंगाई इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, आज हेमंत सोरेन जी झारखंड की आवाम को एक खुशियाँ देने का काम कर रहे हैं, उनके बोझ को कम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हेमंत सोरेन जी ने एक गहरी और लंबी लकीर खींची है और ये बीजेपी वालों को आभास हो चुका है, इसलिए वो इस तरीके की अंदरल बातें कर रहे हैं। मैडम, हो भी सकता है कि सरकार बनी है तो कार्ड नहीं खेला है, ये हमारी जो आदिवासी है और अस्मिता की बात है, सर ये साइड में संस्कृति को पहचान के लिए आदिवासी और इसमें भी अलग अलग भाषा को बोलते हैं कि भाषा का मान सम्मान चलिए 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 थैंक यू।